दुर्ग पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 50 से अधिक बल के साथ दुर्ग रेलवे स्टेशन पर चलाया चेकिंग अभियान। साथ ही स्टेशन के सर्कुलेटिंग क्षेत्र में मौजूद लोगों से पूछताछ कर यात्रियों के सामानों की भी ली गई तलाशी। दुर्ग पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव के नेतृत्व में 50 से अधिक बल के साथ रेलवे स्टेशन में मंगलवार की शाम आकस्मिक चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर संजय ध्रुव, उप पुलिस अधीक्षक यातायात गुरजीत सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग अभिषेक झा सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान मौजूद रहे। गौरतलब है कि दुर्ग पुलिस यातायात जागरूकता तथा अपराध एवं आपराधिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर लगातार चलाए जा रहे अभियान के तहत दुर्ग रेलवे स्टेशन से सर्कुलेटिंग क्षेत्र में मौजूद लोगों ने पूछताछ कर स्टेशन पर मौजूद यात्रियों के सामान की तलाशी ली। साथ ही स्टेशन पर बने सभी फुट ओवर ब्रिज पर लगे CCTV लगेज एक्सरे की मशीन की जाँच की गयी। हालांकि इस अभियान के तहत सब कुछ सामान्य रहा, वहीं RPF के जवान से इस संबंध में पुलिस अधीक्षक के द्वारा चर्चा कर सतर्क रहने की हिदायतें दी गई। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में रूटीन चेकिंग की गई। इस दौरान कोतवाली पुलिस दुर्ग थाना प्रभारी मोहन नगर, चौकी प्रभारी पद्मनापुर और GRP और RPF की टीमें एवं जवान सक्रिय रूप से चेकिंग अभियान में शामिल रहे। इस संबंध में मीडिया के समक्ष दुर्ग पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। क्योंकि त्योहारी सीजन भी नज़दीक आ रहा है और बहुत सारे जो चोरी होते हैं उनके चोर जो दूसरे राज्य में रेलवे का इस्तेमाल कर भागते हैं, तो आज रेलवे की यहाँ पे स्टेशन दुर्ग सबसे बड़ा स्टेशन है, यहाँ पर चेकिंग की गई और आसपास जो बाकी स्टेशन हैं, पावर हाउस हुआ, छावनी हुआ, मरोदा हुआ, वहाँ भी कुम्हारी, वहाँ भी चेकिंग चल रही है। हमने आज मॉक ड्रिल भी किया कि एक सामान में वेपन डाल के डाला मुस्तैद RPF के जवान ने उसको तुरंत पहचान लिया, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी ट्रेनिंग का भी नतीजा है। उसको ब्रीफिंग भी दी गई, स्टेशन मास्टर से भी मिले हम लोग, दोनों तीनों जो दवा जो यहाँ पे खाने पीने की दुकान है उसको भी देखा गया, सभी के ID कार्ड चेक किए गए, संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई और निश्चित रूप से जो आसपास जो एरिया है बस्ती का इलाका जहाँ पे लोग रेलवे प्रॉपर्टी को चोरी करते हैं, आसपास पॉकेटमारी करते हैं, वहाँ भी फोर्स को एड ऑमनिशन के लिए भेजा गया है। इससे लोगों में भरोसा बढ़ेगा और जो संदिग्ध लोग हैं उनमें हड़कंप मच जाएगा। सर, जिस तरह से स्टेशन काफ़ी सेंसिटिव होता है, RPF को गेट पर निर्देश दिए गए कि सभी लोगों की चेकिंग की जाए, क्योंकि जो आतंकी और जो असामाजिक तत्व हैं वो एक सामान्य व्यक्ति से ही दिखते हैं। हमें सचेत रहने की जरूरत है, हर एक आइटम को चेक करने की जरूरत है, जिससे कि कोई भी असला या कोई भी बारूद या कोई भी जानलेवा चीज़ें पार ना हो पाए। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।